मैं अंशुमन और ये मेरे पिताजी हैं मिस्टर अनिल कुमार ठाकुर। इनिशियली 2020 लास्ट में हम लोग आए हुए थे यहाँ पे इनको लेके डॉक्टर शांतनु पांजा के यहाँ। तो वहाँ पे डायग्नोस किया गया कि इनको काफ़ी एडवांस स्टेज में थ्रोट ऑरोफेरेंजियल कैंसर डायग्नोस किया गया। फिर शांतनु पांजा इनका ट्रैकेस्टॉमी करके उसके बाद रेफर किया गया डॉक्टर अनिमेश शाह के यहाँ। यहाँ पे आने के बाद हम इनका ट्रीटमेंट के दौरान इनको 6 सप्ताह का रेडिएशन कोर्स चला था, और जिसके बाद एज ए आउट पेशेंट हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला हम लोगों को और ट्रीटमेंट चला 6 महीने का, जिसमें अभी ऑलमोस्ट 2 स्कैन्स हो चुके हैं पेट सीटी, तो इसमें पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, इनका कैंसर क्योर हो चुका है। और जहाँ तक यहाँ अपोलो की बात है तो सर्विस काफ़ी बेहतर मिला हम लोगों को, और स्टाफ हो या डॉक्टर चारों तरफ से सपोर्ट मिला हमें, तो काफ़ी पॉजिटिव। और अभी बिल्कुल ये नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल। खासकर में डॉक्टर साहब ने द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ और जिंदगी भर इनका ऋणी बना रहूँगा। इनकी आवाज़ अब काफी अभी फंसा हुआ है, तो ये बोलना चाह रहे थे कि ये डॉक्टर शांतनु पांजा के सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि उनका जो सपोर्ट मिला है वो एक फैमिली से कम नहीं है। क्योंकि शुरू में जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो ये काफ़ी अच्छे से हम लोगों को पॉजिटिवली समझाए और पॉजिटिव रखने की कोशिश की है, तो इसके लिए दिल से शुक्रगुजार रहेंगे इनका। खासकर से शरण जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, इनका बहुत हमको हौसला अफजाई इन्होंने किया कि मैं आपको फिर शरण दूंगा। पहला जब मीटिंग हुई थी इन्होंने यही बताया था, अनिल जी मैं आपको ठीक करूंगा, आप देखते रहिए, और इन्होंने मुझे ठीक किया।